नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक दवा के लाभ, रोगी का लक्षण और दवा के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहला लक्षण, चोट द्वारा शरीर में कुचले जाने सा अनुभव। चोट लगने में सबसे पहले आर्निका की तरफ ध्यान जाता है। चोट के कारण ऐसा अनुभव होता है कि सारा शरीर कुचला गया है। शरीर को हाथ लगाने से ही दर्द होता है। ऐसा अनुभव सारे शरीर में भी हो सकता है, शरीर के किसी अंग में भी हो सकता है। रोगी किसी को अपना अंग छूने नहीं देता। कुचले जाने या चोट के संबंध में आर्निका के अतिरिक्त अन्य कई दवाओं का तुलनात्मक विवेचन मैं कर रहा हूं ताकि चोट में कौन सी दवा दी जाए यह आपको पता लग सके। सबसे पहली दवा कोनियम, स्तन, अंडकोश आदि कठोर ग्रंथियों के कुचले जाने पर उनमें गांठ पर जाने जैसे लक्षण में कोनियम दें। हाइपेरिकम, सुई, पिन, फांस आदि लगने पर या पशु एवं कीट के दंत छत से नर्व को आघात पहुंचने और उसमें दर्द होने पर हाइपेरिकम दें। एनाकार्डिया, जब मांसपेशियों के बंधकों में कुचलने सरीखा दर्द हो तो आप एनाकार्डियम दें। सिम्फाइटम, हड्डियों पर लगी चोटों पर टूटी हड्डियों को यह जोड़ देता है। जहां हड्डी टूटी हो उस स्थान पर दर्द ठूंठ में पीड़ा को दूर करता है। बच्चे की मुट्ठी से मां की आंख पर चोट लगे तो यह ठीक कर देता है। इन सभी लक्षणों में आप सिम्फाइटम दें। लीडम पाल, सुआ, कील आदि चुभने पर लीडम पाल दें। हाइपेरिकम और लीडम पाल लगभग समान है। रस्टक्स, प्रत्येक मांसपेशी में कुचलन सा दर्द जो हिलना डुलना शुरू करने के समय पीड़ा देता है परंतु गति शुरू होने पर दर्द दूर हो जाता है। ऐसे लक्षण में आप रस्टक्स दें। फाइटोलेप्रा, सिर से पांव तक स्पर्श सहन ना हो, मांसपेशियां इतनी दर्द करती हैं कि आह निकल पड़ती है, ऐसे में आप फाइटोलेक्का दें। बैप्टिशिया, रोगी बिस्तर पर जिस अंग की तरफ भी लेटता है ऐसा लगता है कि पलंग उधर ही कठोर है, उधर ही के अंग में कुचलन सा दर्द होने लगता है और ऐसे लक्षण में आप उन्हें बैप्टिशिया दें। रूटा, शरीर का प्रत्येक अंग जिस पर उसका बोझ पड़ता है कुचला सा अनुभव होता है। शरीर के किसी भाग पर भी बोझ नहीं डाल सकता, इतना दर्द होता है और ऐसे में आप उसे रूटा दें। आर्निका, चोट लगने से दर्द। अन्य औषधियां जितनी बताई हैं उनमें चोट में जो है दर्द में चोट लगना ही विशेष कारण नहीं है, परंतु इसमें है, इसमें दर्द में चोट लगना एक विशेष कारण है और ऐसे चोट लगने में दर्द हो तो आप आर्निका दें। स्टेफिसिग्रिया, सर्जन के शुद्ध यंत्रों से सफाई से काट छांट या ऑपरेशन के बाद यह घाव को जल्दी ठीक कर देता है, ऐसे लक्षण में आप स्टेफिसिग्रिया दें। चोट के प्रमुख लक्षणों के आधार पर मैंने दवा बता दिया है, अब आर्निका के लक्षण की तरफ फिर से देखते हैं। दूसरा लक्षण, किसी पुराने रोग की शुरुआत चोट लगने से होना। अगर कोई पुराना रोग चोट लगने से शुरू हुआ हो, चाहे कितने ही वर्ष चोट लगे क्यों ना बीत गए हो, वह रोग को आर्निका पूरी तरह से ठीक कर देगा। अगला लक्षण, बिस्तर का कठोर अनुभव होने के कारण करवटें बदलते रहना। रोगी के सारे शरीर में दर्द होता है, ऐसा दर्द जैसे चोट लगने पर होता है। रोगी जिस तरफ भी लेटता है उसे ऐसा अनुभव होता है कि बिस्तर बहुत कठोर है, सख्त है और इस कारण वह मुलायम जगह ढूंढने के लिए करवटें बदला करता है। ऐसे लक्षण में भी आप आर्निका दें तो समस्या ठीक हो जाएगा। टाइफाइड में आर्निका के लक्षण, सविराम तथा अविराम ज्वर में जब टाइफाइड के लक्षण प्रकट होने लगे, जब जीभ चमकदार हो जाए, दांतों और होठों पर दुर्गंध युक्त मल जमने लगे, जब जी बैठता जाए और संपूर्ण शरीर में कुचले जाने से पीड़ा का अनुभव हो, तब आर्निका देने से टाइफाइड की तरफ जाने से रोगी बच जाता है। टाइफाइड में आर्निका तथा बैक्टीरिया के लक्षण एक से हो जाते हैं, परंतु दोनों में अंतर भी है। अंतर यह है कि बैक्टीरिया का रोगी बेहोशी की दशा में प्रश्न का उत्तर समाप्त करने से पहले ही सो जाता है या बेहोश हो जाता है। आर्निका का रोगी बेहोशी की दशा में प्रश्न पूछने पर उसका सही सही उत्तर दे देता है और फिर सो जाता है। इसके अतिरिक्त बैप्टिसिया का रोगी बार बार करवटें बदलता है और पूछने पर कहता है कि उसके शरीर के भाग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उन्हें वह बटोर रहा है।
अर्णिका का रोगी भी करवटें बदलता है, परंतु उसका कारण बिस्तर का सख्त होना होता है। बैक्टीसिया के रोगी का मलमूत्र से अत्यंत बदबू आती है, अर्णिका के रोगी का अनजाने में मल त्याग हो जाता है। इस दृष्टि से अर्णिका के अगर लक्षण हो तो यह टाइफाइड के लिए एक प्रसिद्ध और लाभप्रद औषधि साबित होती है। ऐसे में आप अर्णिका जरूर दें। अगला लक्षण, गठिया रोग में अर्णिका के लक्षण। अर्णिका का हर एक भाग में आधारभूत लक्षण कुचले जाने सा अनुभव है। पुराने गठिया के रोगी को जोड़ों में नाजुकपन का अनुभव होता है। वृद्ध दादाजी जोड़ों में दर्द अनुभव करते बैठे हैं कि उनका पोता उनकी तरफ उनसे खेलने को लपकता है। वे दूर से कहते हैं कि नाना इधर मत आना। उन्हें डर है कि वह उनके कंधे पर चढ़कर उनके शरीर को, जो पहले से ही गठिया के दर्द से पीड़ित है, और दुखा देगा। उन्हें अर्णिका की एक मात्रा दे दी जाए तो वे बड़े मजे से अपने पोते को कंधे पर चढ़ाकर भागते फिरेंगे। गठिया में कुचले जाने सा अनुभव अर्णिका पूरी तरह से दूर कर देता है। अगला लक्षण, गर्भावस्था तथा प्रसव के बाद अर्णिका से लाभ। गर्भावस्था में माता के जरायु तथा कोख में नाजुकपन आ जाता है और गर्भस्थ भ्रूण के जरा से हिलने डुलने के भीतर दर्द सा अनुभव होने लगता है। रात को नींद नहीं आती। इस दशा में अर्णिका की 200 शक्ति की एक मात्रा से दर्द में शांति आ जाएगा। इसी प्रकार प्रसव के बाद अर्णिका की उच्च शक्ति की एक मात्रा अवश्य दे देनी चाहिए। प्रसव के बाद माता को मूत्र न आने पर भी अर्णिका उपयोगी है। नवजात शिशु को मूत्र न आने पर एकोनाइट से लाभ होता है। अगला लक्षण, किडनी ब्लैडर लीवर निमोनिया में अर्णिका का उपयोग। यद्यपि औषधि की परीक्षा में अर्णिका से कभी निमोनिया नहीं हुआ, तो भी अगर निमोनिया में कुचले जाने सा अनुभव हो तो अर्णिका ही औषधि है। अगर गुर्दे, मूत्राशय, यकृत आदि के रोग में शरीर में शोथ के साथ संपूर्ण शरीर में कुचले जाने से अनुभूति हो तो अर्णिका ही लाभ करेगा। अर्णिका से अवश्य लाभ होगा। होम्योपैथी में रोग का इलाज नहीं होता, रोगी का इलाज होता है। रोग का नाम भले ही कुछ क्यों ना हो, रोग का नाम जानना इलाज में बाधक हो सकता है, क्योंकि उस अवस्था में चिकित्सक इनी गिनी रटी रटाई दवाओं की इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहता है और लक्षणों के अनुसार जो औषधि सूचित हो रही है उसे छोड़ बैठता है। तो लक्षण देखें, अगर लक्षण में कुचले जाने सी अनुभूति है शरीर में तो अर्णिका से ही लाभ होगा। अर्णिका के अन्य लक्षण, ज्वर में देखने में आता है कि अर्णिका के रोगी का सिर तथा शरीर का ऊपरी भाग गर्म होता है और हाथ पैर तथा नीचे के भाग ठंडे होते हैं। अपेंडिसाइटिस, अगर चिकित्सक को ब्रोनिया, रस्टक्स, बेलाडोना और अर्णिका का पूरा पूरा परिचय हो तो रोगी को सर्जन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानसिक लक्षण की तरफ देखें तो रोगी किसी को अपने पास नहीं आने देता चाहता, जिसके दो कारण हो सकते हैं क्योंकि वह अपने पास नहीं आने देना चाह रहा। पहला तो यह कि वह किसी से बातचीत नहीं करना चाहता और दूसरा यह कि उसके शरीर में कुचले जाने सा दर्द है और वह उसे फील कर रहा है और इतना व्याकुल होता है कि किसी के छू जाने से वह डर रहा है। वह किसी से बात को इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वह चिड़चिड़ा होता है, दुखी, भयभीत, समझता है कि वह किसी भयानक रोग से पीड़ित है। जो लोग किसी दुर्घटना के शिकार हो चुके होते हैं, जैसे रेलगाड़ी की दुर्घटना हुई है या कोई अन्य शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचा है, वे रात को यकायक मृत्यु के भय से जाग उठते हैं। ओपियम में भी ऐसा मृत्यु भय है, परंतु वह केवल भय जो है दिन में बना रहता है। अर्णिका का मृत्यु भय तो रात को स्वप्न में ही होता है, दिन को नहीं होता। रात के तरह तरह के डरावने स्वप्न दिखाई देते हैं। चोर, डाकू, कीचड़, कब्र, बिजली की कड़क आदि भयावह दृश्य सामने आते हैं। सपने में ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं, तो ऐसे में आप अर्णिका देंगे तो उन्हें लाभ जरूर मिलेगा। चोट से नील आदि पड़ जाने पर अर्णिका लोशन लगाना चाहिए। इस लोशन को बनाने के लिए एक औंस ठंडे पानी में आप 5 बूंद अर्णिका मदर टिंचर को डाल दें और जहां चोट की नील पड़ी है वहां लगाएंगे तो बहुत जल्दी अत्यंत लाभ मिलता है। शक्ति और की बात करें तो 3, 30, 200 और 1000 शक्ति की, अर्थात 1 mm पोटेंसी का उपयोग बिल्कुल किया जा सकता है। लक्षण मिलने पर अगर आप अर्णिका मोंटाना का उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चोट लगने की यह बहुत अच्छी दवा है। अगर कभी भी सर किसी बच्चे के सिर पर चोट लग जाए, हाथों में चोट लग जाए, तो उसे तुरंत अर्णिका 30 पोटेंसी की दवा दे देनी चाहिए। उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, रक्त का जो जमाव होता है वह नहीं रुकता, ब्लड क्लॉटिंग बिल्कुल नहीं होगा, वह रक्त का संचार अच्छे से होने लगता है और वह जो घाव है या फिर चोट लगना पूरी तरह से, दर्द वगैरह सब ठीक हो जाता है। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं
या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।